नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं एक नए हिस्से के साथ, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी का मेन बैकबोन की तरह है, जहां से ढेर सारे क्वेश्चन बने हैं। अभी तक जो सबसे ज़्यादा बॉटनी में क्वेश्चन बने, यहीं से बने। लगभग 300+ क्वेश्चन आपके टैक्सोनॉमी से बने। ये क्वेश्चन काफ़ी जटिल माने जाते हैं, अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा देते हैं। टीजीटी पीजीटी एलटी और जीआईसी में ये कॉमन है, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इस क्वेश्चन की भरमार होती है। तो यहाँ जो हम आपको क्वेश्चन उपलब्ध करा रहे हैं, वो टीजीटी के उपलब्ध करा रहे हैं, पीजीटी के, एलटी, जीआईसी, इसके अलावा पीसीएस के। पीसीएस के क्वेश्चन आपको इसमें बीच बीच में इसलिए भी उपलब्ध कराने कि पीसीएस के जो क्वेश्चन आते हैं टफ वाले, वो पीसीएस से चुराए जाते हैं और डायरेक्ट पीजीटी में डाल दिए जाते हैं या फिर टीजीटी में डाल दिए जाते हैं। और यही चुराए हुए क्वेश्चन आप ये कहते हुए बाहर निकलते हैं एग्जाम सेंटर से कि बहुत कठिन है पेपर, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लेकर चल रहे हैं। तो तैयारी यूं ही बनाए रखिए, शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। बात करेंगे एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी की। फटाफट एक चर्चा आपसे बता दें कि आप हमारे जो डॉक्टर नोट्स परिवार है, ये डॉक्टर नोट्स का जो परिवार है उससे जुड़ सकते हैं 299 की मेंबरशिप के साथ। वन टाइम मेंबरशिप, एक बार सिर्फ 299 की मेंबरशिप देनी है। उसके बाद आपको टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी केवीएस एनबीएस डीएसएसबी के नोट्स फ्री मिलेंगे। जो नोट्स हैं वो फ्री मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे। इसके अलावा प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म में बुक्स मिलेंगी। बहुत कुछ है, आपकी पूरी तैयारी यहीं से हो जाएगी, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और ये हमारा नोट्स ग्रुप है, यहाँ आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे और आपको डिस्कशन कराया जाता है रात्रि को 9:30 से लेकर 11 बजे। डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिस्कशन आपके जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग कराया जाता है। और प्रैक्टिस जो ग्रुप है, इसमें आपको डेली प्रैक्टिस सेट दिया जाता है पूर्व परीक्षाओं में, संभावित परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का, जिससे आपका स्कोर बढ़ जाए। जो क्वेश्चन कन्फ्यूज़न में गलत होते हैं और स्कोर कम हो जाता है, इससे सिलेक्शन नहीं होता, वो समस्या यहाँ से दूर हो जाएगी। इन तीनों ग्रुपों से जुड़ने के लिए सिर्फ 299 की मेंबरशिप वन टाइम देनी है। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, टेलीग्राम और व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप कोई भी क्वेरी के लिए मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। यदि पेमेंट करना है तो गूगल पे नंबर दिया है, फ़ोनपे, पेटीएम या फिर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे टेलीग्राम या व्हाट्सअप पे सेंड करना है। शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करें उससे पहले कल का एक क्वेश्चन कन्फ्यूज़न में चला गया था, उसको हम देख भी लेते हैं। कल एक क्वेश्चन 140 नंबर का जब हम आपको पढ़ा क्या रहे थे, तो पढ़ा रहे थे ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन। तो हमने क्या पढ़ा था, पेस, केवल पेस पढ़ लिया था और पेस के बाद ऑटोमेटिक दिमाग ने उसको पेस मेकर समझ के क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा दिया था। पेस मेकर, दिमाग में समझिएगा, हमने पेस शब्द देखा और पूरा सेंटेंस दिमाग ने बनाया और उसने पेस मेकर करके सॉल्व कर दिया। तो जब पेस में, और हमने आपको बताया भी था कि पेस मेकर जो होता है वो ऐसे नोड होता है, ये हमने आपको बाकायदे बताया भी था और इसको पिक्चर के साथ बताया था। और ए बी नोड्स को हमने बताया था कि ये हृदय के मध्य भाग में ये इस तरीके से ये यहाँ स्थित रहता है, ये वाले भाग में कौन सा, ए बी नोड, और ये होता है ऐसे नोड्स, ये राइट साइड में। अब जब कल आप लोगों ने क्वेरी की, हमसे जानकारी चाही, तो फिर तब हमने इस क्वेश्चन को री स्टडी किया स्टेबल होके, तब पता चला कि उसमें पेस मेकर की जगह पेस सेटर है और हम पेस मेकर के समझकर आंसर को सॉल्व करा दिया था। तो पेस सेटर जो होता है वो ए वी नोड को कहते हैं, ध्यान रखिएगा किसको कहते हैं, ए वी नोड को कहते हैं। तो इसको सही कर लीजिएगा, पेस मेकर के हिसाब से सही कराया था तो हमने ऐसे नोड लगा दिया था, मगर चूंकि पेस सेटर लिखा था और हम पेस मेकर पढ़ के भी गए थे, तो इसलिए ऑप्शन इसका भी सही करेंगे। अब चलते हैं अपने वीडियो पे। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे, बहुत टफ क्वेश्चन लेके चलना। तो पहला क्वेश्चन हमने क्या दिया हुआ है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नील इज ऑप्टेन फ्रॉम द लीव्स अप। नील क्या होती है, तो नील आप जानते हैं जो घरों में आप वाइट जो कपड़े होते हैं, सफ़ेद कपड़े होते हैं, उन पर नील करते हैं, तो वही नील पौधों से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है, पौधों से प्राप्त की जाती है, पाउडर के रूप में, किस में, पाउडर के रूप में प्राप्त की जाती। तो कहता वो नील किससे प्राप्त की जाती है, तो वो नील प्रायः इसका जो ऑप्शन होगा इंडिगोफेरा टिनकोटोरिया, किससे प्राप्त की जाती है, इंडिगो फेरा टिनकोटोरिया से प्राप्त की जाती है। अब ये इंडिगो फेरा टिनकोटोरिया सदस्य किसका है, तो ये सदस्य है पैप्लियोनेसी का। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी पैप्लियोनेसी के बारे में जानकारी दे दें कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं या लेग्यूमिनेसी बांटा गया, लेग्यू
मेनोसी जो बांटा गया, इसको तीन सब फैमिली में बांटा गया है। एक जो सब फैमिली इसकी आती है वो आती है पैप्लियोनेसी। ध्यान रखिएगा ये डाटा है, क्वेश्चन इससे आगे मिलेंगे, पैप्लियोनेसी, और इसी को पी फैमिली बोलते हैं, मटर की फैमिली के नाम से जानते हैं। और इसमें सारी दाल आ जाती हैं। दाल का मतलब समझते हैं, चना की दाल, मटर की दाल, अरहर की दाल, तो जो भी दालें होती हैं दाल वाली फैमिली कहलाते हैं। और एक्चुअली में हम लेग्यूमिनेसी बोल देते हैं, मगर इसकी जो सब फैमिली है वो पैप्लियोनेसी है। और नेक्स्ट इसी में आती है सीजल पिनेसी। तो सीजल पिनेसी में क्या आता है, सीजल पिनेसी, सीजल पिनेसी को क्या बोलते हैं, तो कैसिया फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैसिया फैमिली के नाम से जानते हैं। अमलतास की भी फैमिली बोलते हैं इसको, और तो इसमें अमलतास वगैरह आता है। और तीसरी जो इसकी और तीसरा पार्ट है वो कौन सा है, तो वो है मीमोसाइडी। कौन सा है, मीमोसाइडी, जिसे मीमोसी के नाम से जानते हैं, मीमो सी के नाम से जानते हैं। ये किसकी फैमिली है, बबूल की, ध्यान रखिएगा किसकी है, बबूल की फैमिली है। तो ये तीन फैमिली लेग्यूमिनेसी के तीन भाग हैं, एक दो तीन, ये तीन सब फैमिलियां हैं। तो कभी पूछ सकता है कि वो कौन सी फैमिली है जिसको तीन भागों में बांटा गया, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी के किस सब फैमिली में दालें आती हैं, दाल वाले पौधे आते हैं, तो पैप्लियोनेसी में। और अमलतास कैसिया वगैरह किस में आता है, तो कैसल्पिनेसी में आता है। और जो बबूल वगैरह आते हैं तो वो किस में आते हैं, मीमोसी में। तो ये डाटा था। तो ये जो आता है वो किस में आता है, पैप्लियोनेसी में आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस ऑफ द कुकरबिटेसी हैज ऑल द फाइव फ्री स्टैमेंस। तो देखिए जो कुकरबिटेसी का करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, कुकरबिटेसी का ध्यान रखिएगा, कुकरबिटेसी का जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जो कहाँ से क्वेश्चन, तो उसका हम आपको डाटा भी दे दें कि जो कुकरबिटेसी होती है, कुकरबिटेसी, इसको गार्ड फैमिली के भी नाम से जानते हैं, इसे पंपकिन फैमिली के भी नाम से जानते हैं, कद्दू की फैमिली के नाम से जानते हैं कुकरबिटेसी। कुकरबिटेसी में लगभग जो सब्जियां हम लोग खाते हैं, जैसे कद्दू है, लौकी है, तरोई है और खीरा है, तो ये सब किस में आते हैं, कुकरबिटेसी के अंतर्गत आते हैं। और इसीलिए इसको कुकरबिटेसी को हम पंपकिन फैमिली के नाम से जानते हैं। इनमें जो स्टैमेन होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो स्टैमेन होते हैं, स्टैमेन क्या होता है, पुंकेसर, क्या होते हैं, पुंकेसर। तो जो पुंकेसर होते हैं वो सिनेंड्रस कंडीशन में जनरली देखने को मिलते हैं। सिनेंड्रस कंडीशन क्या होती है, सिनेंड्रस कंडीशन का मतलब होता है, इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो वो स्टैमेन होता है, स्टैमेन के तीन भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है, जो पहला भाग होता है, थोड़ा सा कलर ले लें, चूँकि जो डाटा है वो जब डाटा दिमाग में सेटअप होगा तभी क्वेश्चन सही होंगे, तो ये कंडीशन है। तो इस भाग को हम फिलामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। इस भाग को हम एंथर बोलते हैं, और बीच वाले भाग को जिससे दोनों जुड़े रहते हैं, कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो सिनेंड्रस कंडीशन में क्या होता है कि जितने आपके स्टैमेंस होते हैं या जितने पुंकेसर होते हैं, सारों के फिलामेंट आपस में जुड़ जाते हैं। तो सारों के फिलामेंट आपस में चिपके रहते हैं इस तरीके से, मतलब जुड़े रहते हैं, और उनके जो एंथर होते हैं वो भी आपस में जुड़े रहते हैं इस तरीके से। ये कंडीशन सिनेंड्रस कहलाती है। ये टीजीटी पीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन आपसे पूछता है, सिनेंड्रस कंडीशन किस में पाई जाती है, या सिनेंड्रस कंडीशन में स्टैमेन किस में पाए जाते हैं, तो आँख बंद करके लगा देना है, कुकरबिटेसी। मगर कुकरबिटेसी का एक एक्सेप्शनल केस भी है। एक्सेप्शनल केस में क्या है, लूफा फेविलिया जो है, लूफा फेविलिया, ध्यान रखिए इसका नाम लूफा फेविलिया है। इसमें क्या होता है, सिंपल कंडीशन पाई जाती है, और जितने स्टैमेन होते हैं सब स्टैमेन स्वतंत्र होते हैं, अलग अलग होते हैं। स्टैमेन क्या होते हैं, सारे स्टैमेन अलग अलग होते हैं, ना कि सिनेंड्रस कंडीशन में होते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है इसका, लूफा फेविलिया का। तो यही उसने पूछा, ऐसा कौन सा है, और वही क्वेश्चन आपको उठा के आपके सामने प्रस्तुत करता है जो आपके पूरे अंजर पंजर कर दे। आपको सबको मालूम रहता है सिनेंड्रस कंडीशन पाई जाती है सिनेंड्रस, मगर एक ये भी होता है इसमें क्या होता है, फ्री स्टैमिन पाए जाते हैं इस कंडीशन में। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ हम ऑप्शन क्या लगा लेंगे, फेविलिया, किसको लगा लेंगे, फेविलिया को। कुकरबिटा और सिटुलस और कोकेसिनिया आदि दिया है, मगर इसका आंसर हम बी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली विल यू कीप ए प्लांट विच हैज़ बेरी फ्रूट विथ मैनी सीड्स
एंड परसिस्टेंसी पल्स। तो देखिए परसिस्टेंट शब्द आ गया, और जो परसिस्टेंट का मतलब होता है, परसिस्टेंट का जो मतलब होता है कि जो सेपल होते हैं, सेपल जो होते हैं, सेपल और पेटल दो आते हैं। तो अभी इसको हम थोड़ा सा फटाक से आपको डिफाइन कर दें, सेपल और पेटल को। तो देखिएगा जो चार भाग होते हैं ना, पहले आता है कैलेक्स, फ्लावर के भाग बता रहे हैं, फ्लावर के भाग, और फिर आता है कोरोला, फिर आता है एंड्रोशियम, फिर आता है गाइनोशियम। अब इनका जो कैलेक्स की यूनिट होती है उसे बोलते हैं सेपल, यूनिट का मतलब इकाई। कोरोला की यूनिट को बोलते हैं पेटल, और एंड्रोशियम को क्या बोलते हैं, एंथर या स्टैमेन, सॉरी स्टैमेन बोल देंगे, ठीक है। और गाइनोशियम की यूनिट को बोलते हैं कार्पेल, ध्यान रखिएगा ये इनकी यूनिट है। मतलब अगर कैलेक्स में पांच पंखुड़ियां पाई जाएंगी, मान लो ये पांच पंखुड़ियां हैं, तो क्या बोल देंगे, सेपल की संख्या कितनी है, फाइव, यानी एक को बोलेंगे सेपल, और इसको बोलेंगे बायदल, और इसको बोलेंगे दल, और इसको बोलेंगे पुंकेसर, और इसको बोलेंगे जाया, क्या बोलेंगे अब इसको, कार्पेल को क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा हिंदी में क्या बोलते हैं कार्पेल को। तो ये इनके नाम हैं। तो अब उसने कार्पेल्स कैलेक्स परसिस्टेंट की बात की, तो बैंगन में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बैंगन। आप बैंगन जब लाते हैं खरीद के, तो उसके ऊपर ये कैप लगी रहती है बैंगन में, ये कैप लगी रहती है ना, ये इस तरीके से, ये तो ये क्या है, परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि फल बनने के बाद, जनरली होता क्या, जैसे ही फ्रूट बनना शुरू होता है, वैसे ही जो कार्पेल्स सेपल और पीटल्स होते हैं वो झड़कर गिर जाते हैं, फल लगा रहता है। मगर जो सोलेनेसी फैमिली है, कौन सी है, सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है, तो उसमें क्या करते हैं, फल के साथ ये लगे रहते हैं, चाहे वो आपका बैंगन हो, वो चाहे आपका अगर देखने को मिलेगा तो टमाटर भी, अगर थोड़ा सा हरा है तो उसमें भी देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको मिर्च में भी देखने को मिलता है कैप। तो ये परसिस्टेंट की बात कर रहा है, तो यहीं से क्वेश्चन पकड़ लिया गया कि ये बात किसकी कर रहा है, सोलेनेशी की। और इसमें कौन सा प्रकार का फ्रूट पाया जाता है, फल, तो बेरी प्रकार का फल पाया जाता है। कौन सा, बेरी प्रकार का फल पाया जाता है। नेक्स्ट, और पोएसी में कौन से आते हैं, पोएसी में धान आते हैं, धान का मतलब गेहूं है, और मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, और घास है, इसमें आती हैं। रैनन कुलेशी में क्या आता है, तो रैनन कुलेशी में रैनन कुलस आता है। इसके अलावा जल धनिया बोलते हैं, धनिया नहीं, धनिया अमली फेरी में आती है, जल धनिया बोलते हैं उसको, तो वो रैनन कुलेशी में आता है। रैनन कुलेशी से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और खूब पूछा जाता है कि जो फ्री कार्पेल किस में पाए जाते हैं, यानी एपो कार्पस कंडीशन पूछता है, एपो कार्पस कंडीशन किस में पाई जाती है, तो वो रैनन कुलेशी में पाई जाती है। और ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में ये क्वेश्चन रखा था, रैनन कुलेशी वाला, तो ये तो समझ गए होंगे। डाटा आपको जो दिया जा रहा है वो फैक्ट लेवल पे दिया जा रहा है, और इस लेवल पे दिया जा रहा है कि क्वेश्चन आपके दिमाग में, मतलब जो हमारे इधर कहावत है कि भिद जाए, भिद का मतलब बैठ जाए, क्वेश्चन गलत ना हो। और जब आप ये पढ़ते हैं कि लैक्टोटाइप इज सिलेक्टेड फ्रॉम द एमएस ABC ABC, ऐसे अगर कोई बताता है तो वो 2 मिनट बाद उड़ जाएगा, जैसे ही कोई पूछेगा पता ही नहीं चलेगा अब क्या मैं करूँ इसका। तो इसका आंसर क्या कर देंगे, तो इसका आंसर हम कर देंगे लैक्टोटाइप इज सिलेक्टेड फ्रॉम द एमोंगेस्ट, तो वो आ जाएगा सिन टाइप। क्या आ जाएगा, सिन टाइप। एक्चुअली में होता क्या है, लैक्टोटाइप इज ए न्यू स्पेसीमेन सिलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट ओरिजिनल मटेरियल दैट इज कलेक्टेड टू द सेल एज ए होलोटाइप। व्हेन द ऑथर डिड नॉट डिजाइनेट ए होलोटाइप, इट इज टू टाइप, मेनली होलो टाइप एंड सिन टाइप। तो चूंकि सिन टाइप दिया है तो ऑप्शन हम इसका भी लगा लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये आते हैं और ये आप पढ़ लीजिएगा, नियो टाइप, आइसो टाइप, होलो टाइप, सिन टाइप। इससे PGT का ये सबसे अच्छा फेवरेट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इन चारों में से एक आपको रखा मिलेगा। देख लीजिएगा, टाइम मिला तो मैं इसको फिर से डिफाइन करूँगा और हिंदी में कर दूंगा, क्योंकि अभी इतना समय है नहीं, फिर क्वेश्चन वही एक ही हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम लिलिएसी ऑन द मॉर्फोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल ग्राउंड्स। कहता है पहले लिलिएसी में यक्का को रखा गया था, किसको रखा गया, यक्का, यक्का को रखा गया था। फिर जब अध्ययन हुए और नए नए डिस्कवरी हुई, नई नई जानकारियाँ हुई, तो यक्का के बाद क्या हुआ, यक्का को उठाकर
किस बेस पे? मार्फोलॉजिकल यानी उसकी मार्फोलॉजिकल के बेस पे, यानी उसकी संरचना और उसके जो साइटोलॉजी यानी उसके साइटोलॉजिकल करेक्टर के बेस पे उसको अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ देख लीजिएगा, इसको एक नई फैमिली में रख दिया गया है और जिसको हम एगावैगेसी के नाम से जानते हैं, यक्का एलिफोलिया को। ये पौधा जो आप देख रहे हैं ये यक्का का पौधा है, तो इसलिए इसको वहाँ से उठा लिया गया। पहले लिलिएसी में भी रखा गया है, अगर एगावैगेसी दे तो दे, नहीं लिलिएसी को हम लोगों को सही करना है, ध्यान रखिएगा, लिलिएसी को सही करना है। अब वो चूंकि ये रिसेंट का मैटर है इसीलिए उसने क्वेश्चन यहाँ से बना दिया है कि बाद जो एगावैगेडेशी भी बोलते हैं, एगावैगेसी भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम ध्यान रखिएगा एगा वो आईडी भी जानते हैं, इसके भी नाम से जानते हैं, तो वो है यक्का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये मतलब हल्के पुल्के क्वेश्चन आपको नहीं दिए जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो गणित बिगाड़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग फैमिली पजेस साइथियम टाइप इनफ्लोरेसेंस? साइथियम टाइप का इनफ्लोरेसेंस किस में देखने को मिलता है? तो हम आपको बता दें, कुछ स्पेशल प्रकार के जो इनफ्लोरेसेंसेस देखने को मिलते हैं उसमें कौन सा आता है? एक आता है साइथियम, और एक आता है साइथियम के साथ आता है वर्टिसिलिएस्टर, वर्टिसिलिएस्टर आता है, और एक आता है हाइपेनथोडियम, हाइपेनथोडियम। तो ध्यान रखिएगा, साइथियम इनफ्लोरेसेंस की जब बात करते हैं तो इसको कटोरिया फ्लावर के भी नाम से जानते हैं, वो इस तरीके से दिखाता है, और इसमें एक ये यहाँ ओवरी लगी रहती है और इसमें तीन कार्पेल्स होते हैं इस तरीके से, ये ऐसे ये ओ, ओ, और इसमें दो फ्लावर अलग अलग होते हैं, और स्टैमेन जो होते हैं वो इनडिफिनिट होते हैं, बहुत सारे स्टैमेन लगे रहते हैं, यानी मेल और फीमेल जो फ्लावर होते हैं वो अलग अलग होते हैं मगर एक साथ इस तरह व्यवस्थित लगते हैं जैसे लगता है कि एक में ही लगे हों। इनको जो इन्फ्लोरेसेंस इस तरह का देखने को मिलता है उसको साइथियम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, और इसमें इनके किनारों पर नेक्टर ग्लैंड पाई जाती है। ध्यान रखें, नेक्टर का मतलब होता है मकरंद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और ये करेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? तो यूफोरबियेसी का है। किसका है? यूफोरबियेसी का। ये यूफोरबिया के पौधे में देखने को मिलता है। तो आर्किडेसी में आर्किड्स आते हैं, रेनन्कुलेसी के हमने बता ही दिया, और तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ए। अब वर्टिसिलिएस्टर की बात करें तो लेबिएटी में देखने को मिलता है, तुलसी में, हाइपेनथोडियम किस में देखने को मिलता है? फाइकस की फैमिली में, गूलर आदि में। तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको अंदाज नहीं होगा, ये बार बार क्वेश्चन TGT PGT LT GIC असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्टरनेट नेम ऑफ द अम्बली फेरी। अम्बली फेरी का जो अल्टरनेट नेम है या दूसरा नाम है वो कौन सा है, बताइएगा। तो अम्बली फेरी का जो अल्टरनेटिव नेम है उसकी चर्चा कर लेते हैं, यहाँ कुछ नाम देख लेते हैं और जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, सात फैमिलियों के नाम बदले गए थे। क्या बदले गए थे? सात फैमिलियों के नए नाम दिए गए हैं, और चूंकि उनके एंड में एसी शब्द नहीं आ रहा था, जैसे कि कंपोस्टी, क्रूसीफेरी, गट्टीफेरी, लेगिमिनोसी, लेबिएटी, तो उनमें एसी नहीं आ रहा था, तो इनके नाम बदले गए हैं। तो ये हम लिख लेते हैं ओल्ड फैमिली, ये लिख लीजिएगा कॉपी में, देखिए अभी आपके सामने क्वेश्चन बना है, और न्यू नेम, न्यू नेम ये है। तो ओल्ड में जैसे आता है ग्रेमनी, ग्रेमनी, ग्रेमनी का नाम क्या रख दिया गया? पोइसी रख दिया गया। क्या रख गया? पोइसी। दूसरी फैमिली आती है पामी, या पालमी भी बोलते हैं, और इसका नाम रख दिया गया एरिकेसी, ध्यान रखिएगा एरिकेसी नाम रख दिया गया। तीसरी फैमिली आती है आपकी क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी, इसका नाम रख दिया गया क्रूसीफेरी का ब्रेसकेसी, ब्रेसकेसी रख दिया गया। अब नेक्स्ट फैमिली आती है गट्टीफेरी, गट्टीफेरी, गट्टीफेरी का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो गट्टीफेरी का नाम रख दिया है कुलिसिएसी। ये क्वेश्चन बना है, ध्यान रखिएगा, इनमें एक भी डाटा हम ऐसा नहीं दे रहे हैं जो आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा हो, कुलिएसी। और लेग्यूमिनेसी का नाम क्या रख दिया गया है? लेग्यूमिनोसी का नाम क्या रख दिया गया है? तो लेग्यूमिनोसी का नाम रख दिया गया है फैबेसी, फैबेसी। और ध्यान रखिए, ये कम बहुत कन्फ्यूज़न करते हैं, और एक आता है लेबिएटी जो तुलसी की फैमिली है, लेबिएटी, लेबिएटी का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो लेमिएसी,
लैमिएसी, और कंपोजिटी का नया नाम क्या रख दिया गया है? कंपोजिटी का नया नाम रख दिया गया है, क्या रखा गया? एस्ट्रेसी। और लास्ट में है अम्बली फेरी। अम्बली फेरी, अम्बली फेरी का नया नाम क्या रख दिया गया? एपीएसी। क्या रखे? एपीएसी। तो ये नाम रखे गए एपीएसी। तो ये सातों नाम आप रट डालिएगा। आप क्वेश्चन वहाँ फंसाता कैसे ये भी समझ लीजिएगा। फंसाता इस तरीके से है कि आपसे वो अक्सर क्वेश्चन पूछता है पामी का जो नया नाम है या पालमी का जो नया नाम है वो क्या है, आप एरकेशी। और अगर मान लो पाम से कोई पौधा पूछता है तो वहाँ आपको याद है कि ये पालमी फैमिली में है और वहाँ उसने नाम है एरिकेसी रखा है, आप खुद कन्फ्यूज़ कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। जैसे कि लेग्यूमिनेसी में अक्सर पूछते हैं, लेग्यूमिनेसी अब धीरे धीरे शब्द गायब करने लगे हैं, उसकी जगह नया शब्द देने लगे हैं फैबेसी। जो नए क्वेश्चन ट्रेंड में साइंटिस्ट बनाते हैं वो फैबेसी देते हैं। और जब फैबेसी है, अब आप लेग्यूमिनेसी रटा हुआ है कि दाल की फैमिली सब आती हैं लेग्यूमिनेसी में, तो वो फैबेसी दिया अब सर खुजा रहे हैं, अब फैबेसी कहाँ गया, अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं। लेबिएटी लेमिएसी, कंपोस्टी एस्ट्रेसी। और अब तो देखिए एस्ट्रेसी शब्द तो बार बार आएगा, एस्ट्रेसी कंपोस्टी शब्द गायब कर रहे हैं। एस्ट्रेसी का मतलब कंपोस्टी। सिप्सेला इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, सिप्सेला फ्रूट पाया जाता है। ओमली फेरी का नाम क्या? एपीएसी। तो अब चलते हैं, तो ये सातों नाम कर लीजिएगा। ग्रैमनी का नाम पोएसी, पामी का नाम एरकेसी, क्रूसी फेरी ब्रेसकेसी, गट्टी फेरी कुलिएसी। ध्यान रखिए गट्टी फेरी का जो नाम है कुलसीएसी है, कुल हमें लगता है स्पेलिंग गलत, क्लूसीएसी सही लिखा है, क्लूसीएसी यस बना हुआ है, क्लूसीएसी। तो ये क्लूसीएसी है और लेग्यूमिनेसी फेवेसी, तो इनके नाम याद रख लीजिएगा। तो इसने अम्ली फेरी का पूछा, चलिए अम्ली फेरी का देखते हैं। तो ये दिया एपीएसी। एस्ट्रेसी किसका है? कंपोस्टी का। पोएसी किसका है? ग्रैमनी का। एरिकेसी किसका है? अभी बताया था एरिकेसी। तो अभी हमने एरिकेसी किसका नाम बताया था? एरिकेसी देखो किसका बताया, पामी का बताया, पामी का। तो वो किसका नाम है? पामी का। ये किसका नाम है? पामी। ये तो ये पूरा डाटा था। और यहाँ एक क्वेश्चन, अब यहाँ से देखिए 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराया तो सात सात फैमिली एक्स्ट्रा बताई। अब सातों में से यही सेम अल्टरनेटिव नेम, आप अम्ली फेरी अल्टरनेटिव नेम, आप एस्ट्रेसी का जो है, कंपोस्टी का क्या है, ग्रैमनी का क्या है, पामी का क्या है। तो देखिए सात क्वेश्चन यहाँ से तैयार हुए, पूरा फैक्ट डाटा। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यही हम बता देते अल्टरनेटिव अम्ली फेरी एपीएससी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर क्या होता? तो ये समझो आप, एक कैसिया बिलोंग टू द फैमिली, एक कैसिया किस फैमिली को बिलोंग करती है। तो दो शब्द आते हैं जो परेशान करते हैं, एक आता है अरेका कटैचू, अरेका कटैचू, एक आता है एकैसिया कटैचू। कटैचू तो अरेका कटैचू में क्या आता है? अरेका कटैचू में आता है सुपारी, क्या आती है? सुपारी। और एकैसिया कटैचू में क्या आता है? कत्था, क्या आता है? कत्था, जो हम लोग पान में लगा खाते हैं। तो एकैसिया कटैचू किससे बनता है? ऊड से, देखना लकड़ी से निकाला जाता है। कत्था किससे निकला है? ये इकोनॉमिक बॉटनी में पूछते हैं बूट किसके लकड़ी से कत्था निकला था, तो एकैसिया कटैचू की लकड़ी से बनता है। तो ये मीमोसी का सदस्य है और इसमें क्या आते हैं? बबूल। तो ये बबूल की तरह ही प्लांट होता है, पौधा होता है, ध्यान रखिएगा। और सीजल पिनेशी में क्या आते हैं? इसको हमने बताया था अमलतास वगैरह आते हैं, और ये हमने आपको बताया था मीमोसी के बारे में भी आपको हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नट ग्रास, कांग्रेस ग्रास, दूब ग्रास, खस ग्रास बिलोंग टू द, ये घासें पूछ रहा है कितने जेनरा और कितनी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो देखते हैं कितनी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो नट ग्रास की जब बात करते हैं, इसका नट ग्रास, इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है साइप्रस, और रोडेंडस के नाम से जानते हो, ये साइप्रेसी फैमिली का है। किसका है? साइप्रेसी फैमिली का है। कांग्रेस ग्रास की बात करते हैं तो ये पार्थिनियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पार्थिनियम बोलते हैं, जिसे गाजर घास के नाम से जानते हैं, और ये कंपोस्टी का है। किसका है? कंपोस्टी का है, ध्यान रखिएगा, कंपोस्टी, जिसे एस्ट्रेसी के नाम से जानते हैं। दूब घास किसका है? तो ये पोएसी का सदस्य है। किसका है? पोएसी का, जिसको हम ग्रैमनी के नाम से जानते हैं। खस ग्रास जो है ये भी किसका है? पोएसी का। तो फैमिलियाँ कितनी हो गई? एक दो और ये तीन, यानी पोएसी, पोएसी के दो हैं तो एक फैमिली हो गई, यानी पोएसी एक हो गई, कंपोस्टी एक हो गई, और ये तो कितनी हो गई? तीन फैमिलियाँ। तो हमने तीन फैमिलियाँ लगा लिया।
अब उसके बाद उसने जो जेनरा की बात की, तो अब जेनरा कितने आएंगे, तो जेनरा तो अलग है ना, ये जो नट ग्रास है ये अलग है, कांग्रेस ग्रास अलग है, दूब ग्रास अलग है, खस अलग है, तो जेनरा कितने आएंगे, चार। तो चार जेनरा और तीन फैमिलियों का संबंध यहाँ दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग पब्लिकेशन ऑफ लीनियस, लीनियस ने जो अपनी किताबें पब्लिश की, लेट द फाउंडेशन ऑफ प्लांट नॉमन क्लेचर, किस में उन्होंने नॉमन क्लेचर के स्टार्ट किया। तो नॉमन क्लेचर का मतलब होता है नामकरण, हिंदी में बोलते हैं नामकरण। नामकरण किसने दिया, तो अब उन्होंने किस में नामकरण किया पब्लिकेशन में, तो देखिए दिया स्पीसीज प्लांटेरम वॉज फर्स्ट पब्लिश 1 मई 1753। ये डेट याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कब पब्लिश की थी, तो 1 मई 1753। कैरोलस लीनियस एज ए टू वॉल्यूम वर्क द प्राइम इम्पोर्टेंस दैट द प्राइमरी स्टार्टिंग पॉइंट द प्लांट नॉमन क्लेचर, यहाँ से स्टार्ट किया था, तो हम लगा लेंगे स्पीसीज प्लांटेरम, कौन सा लगा लेंगे, स्पीसीज प्लांटेरम, तो समझ में आ गया होगा, इसीलिए यहाँ। और इन्होंने जेनरा प्लांटेरम भी लिखी थी, ध्यान रखिएगा, जेनरा प्लांटेरम भी इन्होंने लिखी थी, और बैंथम और हुकर ने भी जेनरा प्लांटेरम लिखी थी, ध्यान रखिएगा, दोनों ने जेनरा प्लांटेरम बुक लिखी है, तो यहाँ कन्फ्यूज ना होना, बैंथम हुकर ने भी लिखी, इन्होंने भी लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाइल प्लेसेंटेशन इज नॉट फाउंड इन, एग्जाइल प्लेसेंटेशन किस में नहीं पाया जाता है, तो इसका हमने फार्मूला दिया था पी पी स्क्वायर, हमने दिया था इसका फार्मूला पी पी सी स्क्वायर ने असलम की बात फक सुनी लेकिन मिले नहीं, तुम बकोजी आप ट्रिक पढ़ी है, तो असलम से हो गया एग्जाइल, क्या हो गया, एग्जाइल प्लेसेंटेशन किस में पाया जाता है, सोलेनेसी में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है, लिलिएसी में और मालवेसी में, तो देख लेते हैं मालवेसी में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है, लिलिएसी में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, और इसके अलावा किस में बताया था, सोलेनेसी, लिलिएसी और मालवेसी, तो सोलेनेसी हो गई। अब कौन सी बचा, एस्ट्रेसी कंपोस्टी, तो यही सही है, इसी में नहीं पाया जाता है, तो हम ऑप्शन इसका क्या कर देंगे, डी सही कर देंगे। हमारा जो क्वेश्चन सही क्या हुआ, एस्ट्रेसी, फिर सुनिए, एग्जाइल प्लेसेंटेशन किस में नहीं पाया जाता है, तो वो एस्ट्रेसी है, और बकाया किस में, सोलेनेसी, लिलिएसी और मालवेसी, तीनों में पाया जा रहा है, तो ये तीन पाए जाने वाली फैमिली है, एक ना पाए जाने वाली, तो हम डी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेड बाय हचिंसन, हचिंसन ने किस प्रकार का क्लासिफिकेशन दिया था, तो देखिए प्रायः हम तीन ही क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, बैंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, और एंगलर और प्रेंटल का पढ़ते हैं, एंगलर एंड प्रेंटल का पढ़ते हैं, और हचिंसन का पढ़ते हैं, तो बैंथम हुकर का जो है क्लासिफिकेशन वो नेचुरल क्लासिफिकेशन है, और एंगलर और प्रेंटल और हचिंसन इनका फाइलोजेनेटिक है, कैसा है, फाइलोजेनेटिक, तो हम ऑप्शन लगा फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल किसने दिया था, तो लीनियस ने दिया था, किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। नेचुरल किसने दिया था, तो बैंथम और हुकर ने दिया था, तो यहाँ ऑप्शन लगा देंगे फाइलोजेनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेका इज द टाइप जीनस ऑफ फैमिली, इज द टाइप जीनस ऑफ फैमिली, तो ये अरेका किसका सदस्य है, अभी हमने बताया था कि जो अरेका कटेचू होता है, क्या होता है, अरेका कटेचू जो होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुपारी, क्या बोलते हैं, सुपारी के नाम से जानते हैं। सुपारी क्या करते हैं, पान में हम लोग खाते हैं ना, पान में खाई जाती है, और इसके अलावा पूजा में यूज़ की जाती है छोटी सुपारी, तो इसमें यूज़ करते हैं, तो ये किससे संबंधित है, पामी से संबंधित है, या पाल्मी फैमिली से संबंधित है। अरेका कटेचू पूरा नाम है, सुपारी, और ये बिल्कुल जो पौधा होता है वो ताड़ की तरह होता है, बिल्कुल ताड़ के बड़े बड़े पत्ते होते हैं इस तरीके से ये, और रजनीगंधा का आपने देखा होगा, ऐड आता है टीवी में रजनीगंधा, वो आता है, एक आदमी जाता है जंगल में ढूंढने, तो दिखाते हैं इस तरह का पौधा, तो देख लीजिएगा, और यार गूगल पे सर्च कर लीजिए, देखिए कुछ चीज़ें चित्र भी देख लिया करिए गूगल उगल पे, तो कभी वो कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे कि अरेका क्या है और एकेसिया क्या है, एकेसिया कत्था की बात कर रहे हैं, अरेका सुपारी की बात कर रहे हैं। तो अभी इतना ही, हम चलते हैं, थोड़ा सा आपको थ्योरी मैटर दे देंगे, तो जिससे आपका कुछ थ्योरी कम्प्लीट हो जाए। द प्रेजेंट टाइम इतनी स्पीसीज 1.7 मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल प्लांट्स, ये देखिए इतनी स्पीसीज हैं एनिमल और प्लांट्स की, 0.5 मिलियन प्लांट्स और 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं, तो ये क्वेश्चन एक बार बना है कि कितने मिलियन प्लांट्स हैं की स्पीसीज हैं, तो 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं
1.2 मिलियन एनिमल्स हैं। ये यहाँ से ये क्वेश्चन बना है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है टैक्सोनॉमी से कि टैक्सोनॉमी जो टर्म दिया था या टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया, तो एपीडी कैंडोली ने टैक्सोनॉमी शब्द दिया। और एपीडी कैंडोली ने जो पुस्तक लिखी थी, ध्यान रखिएगा, पुस्तक लिखी थी वो थी थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री डी ला बॉटेनिक्यू। ये पुस्तक लिखी थी थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री डी ला बॉटेनिक्यू, इन्होंने पुस्तक लिखी थी। फिर आता है सिस्टमैटिक्स। यहाँ से क्वेश्चन ये मान लो कि बहुत क्वेश्चन इस पोर्शन से फंसते हैं। सिस्टमैटिक्स की जब बात करते हैं तो यहाँ सिस्टमैटिक जो शब्द दिया था, ये क्वेश्चन बना है पीजीटी में, सिस्टमैटिक शब्द किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था सिस्टमैटिक शब्द। और कैरोलस लीनियस को ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। सिस्टमैटिक्स इज द टू पार्ट्स, कितने हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स। क्लासिकल सिस्टमैटिक्स, क्लासिकल सिस्टमैटिक्स की हम बात नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएँ।